इस वीडियो के अंदर हम बाकी के न्यूमेरिकल्स लेंगे सेल पोटेंशियल के। पहला जो आपका न्यूमेरिकल है सेल पोटेंशियल का, वो आपका पेज नंबर आपका 73 पर है, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 जो मैंने आपका छुड़वा दिया था। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप किया गया है जिसकी पीएच है आपकी 10। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को 10 पीएच वाले सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है और आपको बोला जा रहा है कि उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो क्योंकि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं दे रखा, तो इसका मतलब आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी कि H प्लस से हाइड्रोजन, यानी कि इसका आपको आपका आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का। और जो सॉल्यूशन है आपका उसकी पीएच आपको दे रखी है, क्या आपको दे रखी है पीएच आपको 10 आपको पीएच दे रखी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एच प्लस आयंस एक्वस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपका क्या बना रहे हैं आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को आपकी बना रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होती है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ भी एक होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने हाफ लगा दिया आपका, ठीक है। तो अब मैंने इसको रिडक्शन की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, और नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें आपका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है आपका। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखूंगी और फिर नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी तो वो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखा ताकि मैं इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिख सकूं। तो हमारा क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की इक्वेशन ये होती है आपकी रिडक्शन की, तो वो मैंने लिखी। अब मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन यूज करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगी, तो वो क्या होगा, E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल में हो जाएगा E नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.059। ये हम क्यों ले रहे हैं 0.059, क्योंकि हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है, और अगर टेम्परेचर गिवन ना हो तो हमसे आपका रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, और रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर फॉर्मूले में 0.059 आता है अपॉन N। N आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 यहाँ पर, लॉग ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की पावर हाफ अपॉन प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन। अब क्योंकि यहां पर प्रेशर आपको हाइड्रोजन गैस का गिवन नहीं है तो आप इसको 1 ले लोगे आप, ठीक है। अगर अदर देन 1 होता तो वो आपको प्रोवाइड करते, अभी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, इसका मतलब वो आपका 1 कंसिडर कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपका यहां पर भी n लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 मेरा, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो ये 1 हो गया। लॉग ऑफ प्रेशर आपको प्रोवाइडेड नहीं है गैस का तो हम उसको क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो ये 1 की पावर हो गया हाफ, तो ये आपका हाफ हो गया अपॉन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका E ऑफ एच पॉजिटिव से एच टू इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन प्रोटोन का कंसंट्रेशन। अब प्रोटोन का कंसंट्रेशन अगर आपको पता लग जाए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रोटोन की कंसंट्रेशन के लिए आपको पीएच की वैल्यू गिवन है, आपको पता है पीएच क्या होता है आपका, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटोन का कंसंट्रेशन, यही होता है आपका, ठीक है। और इस माइनस को अगर मैं यहां ले जाऊं, यानी कि ये माइनस हटा करके मैं अगर यहां माइनस 1 कर दूं तो वो भी ठीक है आपका, क्योंकि जो आगे वाली चीज होती है आपका जो आगे वाला नंबर होता है लॉग से वो एक्चुअली पावर से ही आता है, तो उस आगे वाले नंबर को हम लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है उसकी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 1 मैं ऊपर की तरफ ले गई यहां पर, ठीक है। तो माइनस 1 करते ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या है 1 अपॉन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, यही हो गया आपका 1 अपॉन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 10,
10, तो इसका मतलब क्या हुआ, log 1 upon proton की concentration की value क्या आ गई 10, तो यहाँ पर हमें log 1 upon proton की concentration की value ही चाहिए थी, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू आपका ये 1 तो 1 ही रहेगा आपका इंटू लॉग 1 अपॉन प्रोटोन का कंसंट्रेशन, लॉग 1 अपॉन प्रोटोन के कंसंट्रेशन की वैल्यू हो गई 10, तो इंटू 10, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसके अंदर प्रोटोन की कंसंट्रेशन आपकी इस तरीके से है कि उसकी पीएच आपकी क्या आ रही है 10 आ रही है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, आगे आपका वोल्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.59 वोल्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम आपका देखेंगे एक और क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, जो हमारा रह गया था सेल पोटेंशियल पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर आपका 3.6। तो पेज नंबर 91 पे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 3.6। क्वेश्चन तो काफी इजी है, इसको हिंट की फॉर्म में ही मैं आपको दूंगी, लेकिन क्योंकि इसकी केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल सी है, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। आपका जो एक ड्राई सेल है उसकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड प्लस वॉटर लिक्विड गिव्स यू जिंक आयन एक्वस प्लस टू सिल्वर सॉलिड प्लस OH-, आई थिंक टू OH- है, यस टू OH- एक्वस, ये आपका ओवरऑल केमिकल इक्वेशन दे रखी है, और आपको बोला जा रहा है इसका आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, और आपको इस रिएक्शन का ई नॉट कैलकुलेट करना है, यानी कि ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको ई नॉट सेल होता है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो उसके लिए कैथोड और एनोड आपको पता होना चाहिए, कैथोड और एनोड के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो आपका, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है। तो अब ये इस रिएक्शन के अंदर पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो पहले हम एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमें बताया जिंक आपका एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, सिल्वर भी आपका एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी जीरो हो गई आपकी। अब हम सिल्वर ऑक्साइड के अंदर अगर हम सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आपकी आएगी प्लस 1, कैसे आएगी आपकी वो देखते हैं। तो ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है, आपका सिल्वर ऑक्साइड एक आपका न्यूट्रल स्पीशीज है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज ओवरऑल क्या है जीरो है, तो और ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2-, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे आपका। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, मैंने x मान ली, तो आपका क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज जीरो। तो यहां से आप देखोगे तो x आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा प्लस 1, तो यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के अंदर आपकी जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या आ गई प्लस 1 आ गई आपकी, ठीक है। तो
अब हम देखेंगे आपका कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखोगे जो आपका जिंक है, जिंक जो है वो जीरो से आपका जा रहा है आपका जिंक टू प्लस आयन में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये आपका एनोड की तरह काम करेगा। और सिल्वर जो है वो प्लस वन से आपका जीरो में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है आपका, तो ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब हम आपकी एनोड की और कैथोड की इक्वेशन भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो लिखने से पहले हमें आपका जो और चीजें गिवन है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो और चीजें गिवन है वो हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें और गिवन है वो आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है इसके अंदर, जिंक आयंस और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है -0.76 वोल्ट, और सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको गिवन है 0.344 वोल्ट। ये आपको दो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने कैथोड और एनोड फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमें पता होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कैथोड आपका क्या है, कैथोड है आपका सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर वाला, तो सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर वाला कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वाला है, ऊपर वाला तो जिंक वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि हो जाएगा ई नॉट सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर और OH माइनस माइनस ये जो है आपका एनोड, एनोड आपका क्या है, एनोड आपका ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, एनोड एनोड पे हो रही है आपकी, और वो किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है, जिंक आपका जीरो से प्लस टू में जा रहा है। ठीक है, तो जिंक आपका एनोड हो जाएगा, तो यानी कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हम आपका एनोड की जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.344 माइनस सिल्वर ऑक्साइड वाले की हमने 0.344 वोल्ट वैल्यू रख दी यहां पर, अब जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 तो वो रख दी हमने, और अब हमारा ई नॉट सेल आ गया कैलकुलेट करके आपका यहां पर वैल्यू में देख लेती हूँ इसकी। अच्छा, इन्होंने दे नहीं रखी है आपकी वैल्यू, तो हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 0.344 में 0.76 ऐड हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.104 वोल्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आ गई क्या, 1.104 वोल्ट, ये आपने कैलकुलेट करके लिख दी। ठीक है, अब हमें लिखना है डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो ई नॉट सेल तो हमने आपका कैलकुलेट कर दिया, अब हम कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट, तो अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा जी नॉट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होगा -N × F × E0 cell। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता नहीं, F की वैल्यू होती है 96500 कूलम, ई नॉट सेल मैंने कैलकुलेट कर लिया है 1.104, तो अब बचा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे आपके कैलकुलेट करने हैं। अगर ये कैलकुलेट हो गए तो हम आपका इजीली आपके आपके इस फॉर्मूले में पुट करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन हाफ भी लिखना पड़ेगा और रिडक्शन हाफ की रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी आपकी। तो अब हम देखते हैं आपकी ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक जीरो से आपका जिंक टू प्लस में जा रहा है, तो जिंक जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है उससे ये जा रहा है आपका जिंक टू प्लस आयंस में बाय रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई आपकी। उसके बाद आते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन पर, तो रिडक्शन रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड किसमें जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है आपका, तो आप देखिए सिल्वर ऑक्साइड आपका जा रहा है सिल्वर के अंदर, तो जब सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर में जाएगा तो
तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन करके ही जाएगा क्योंकि रिडक्शन की प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस में आपको गेन कराने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जब ये आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड पर, तो आपके रिएक्टेंट साइड पर तो दो सिल्वर एटम है और यहाँ पर एक सिल्वर एटम है, तो हम पहले सिल्वर एटम को बैलेंस करेंगे। सिल्वर यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है, तो हमने दो, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया। सिल्वर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? प्लस वन थी आपकी, है ना। तो सिल्वर एटम की ऑक्सीडेशन प्लस वन है, तो इसका मतलब क्या है, एक सिल्वर एटम को, सॉरी एक सिल्वर आयन को, यानी कि एक एजी प्लस को एजी के अंदर जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दो एजी प्लस को एजी के अंदर जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? दो की होगी, क्योंकि एजी प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों सिल्वर जो है उन दोनों के ऊपर चार्ज जो है इंडिविजुअली अलग अलग क्या है, प्लस वन है। तो इसका मतलब ये है, पहले वाले एजी के ऊपर भी चार्ज आपका क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन, दूसरे वाले सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, प्लस वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Ag2O के अंदर जो प्लस वन है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या है, दोनों सिल्वर जो है उन दोनों के ऊपर प्लस वन आपका क्या है, चार्ज है। और हमें पता है एक सिल्वर को, सिल्वर आयन को सिल्वर के अंदर सिल्वर एटम में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे ही दूसरे वाले सिल्वर आयन को भी सिल्वर एटम में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो दोनों का मिला करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, जो जरूरत होगी हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो Ag2 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये आपका दो सिल्वर एटम में जा रहा है, ठीक है। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हटा रही हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आपका ये एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है आपका। हमें पता है रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पर एटम होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी रिएक्शन के अंदर कि रिएक्टेंट साइड पर तो आपका एटम हो लेकिन प्रोडक्ट साइड पे वो एटम ना हो, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपका इस रिएक्शन के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऊपर वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखो तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपका क्या है, जीरो, क्योंकि जिंक पर चार्ज है टू प्लस और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है टोटल टू माइनस, तो टू माइनस और टू प्लस मिलकर के आपका टोटल जीरो चार्ज यहाँ बना देगा। और यहाँ पर जिंक एटम भी क्या है, न्यूट्रल है, इस पर भी चार्ज क्या है, जीरो है आपका, ठीक है। तो टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड पे आपका कितना है, टू यूनिट नेगेटिव है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स पर टू यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज जो रिएक्टेंट साइड पे है यहाँ पर टू यूनिट नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर ये सिल्वर क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज आपका क्या है, जीरो हो गया आपका। तो प्रोडक्ट साइड पे चार्ज जीरो है, रिएक्टेंट साइड पे चार्ज टू यूनिट नेगेटिव है, तो यहाँ भी चार्ज आपका क्या होना चाहिए, टू यूनिट नेगेटिव होना चाहिए। तो टू यूनिट नेगेटिव चार्ज करने के लिए आप पूरी इक्वेशन के देखो के अंदर देखो के अंदर देखो कि आपका एनायन कहाँ है, आपका एनायन आपका ये रहा टू ओ एच माइनस, तो अगर मैं ये टू ओ एच माइनस यहाँ ऐड कर दूं प्रोडक्ट साइड पर, तो ये टू ओ एच माइनस प्रोडक्ट साइड के ओवरऑल चार्ज को क्या बना देंगे, टू माइनस बना देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, टू ओ एच माइनस एड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका अब 2OH- यहाँ ऐड करने से टोटल नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट साइड पे आपका क्या हो गया, 2 यूनिट नेगेटिव हो गया, और रिएक्टेंट साइड पर भी टोटल चार्ज क्या हो गया, 2 यूनिट नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रल है, जीरो है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 यूनिट नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये जीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी आपका 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया आपका, ठीक है। अब अगर दो OH- माइनस यहाँ आए हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ गए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं आपके, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लाने के लिए अब कौन सी स्पीशीज रह गई, जिंक और जिंक आयन आपका कवर हो गया ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के अंदर, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर आपका कवर हो गया आपका रिडक्शन की रिएक्शन में, OH- को भी मैंने कवर कर दिया, अब क्या बच गया, वाटर बच गया।
तो वाटर को अगर मैं इधर ऐड कर दूं तो वाटर आपका यहाँ रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देगा आपका, जो कि प्रोडक्ट साइड पर है लेकिन रिएक्टेंट साइड पे नहीं है। तो मैं इस रिएक्टेंट साइड पे आपके वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूंगी। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते ही यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक और दो, ये दो ऑक्सीजन हो गए, दो सिल्वर एटम है, ये भी दो सिल्वर एटम है, आपका टू यूनिट नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी टू यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई आपकी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा, इस इक्वेशन में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए एन की जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आपकी क्या आ गई, टू आ गई। लेकिन एन की वैल्यू कैसे टू आई, ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, टू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टू आ गई। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट यही वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की रिएक्शन को बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने रही हूँ ओवरऑल इक्वेशन, आप लिख सकते हैं पूरी ओवरऑल इक्वेशन, यही आएगी आपकी। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके जब आप एन की वैल्यू अब आप यहाँ पर पुट करोगे टू, यहाँ पर एन की वैल्यू आप टू पुट करोगे, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट जरूर लिखोगे आप यहाँ पर, वो होगी आपकी जूल्स पर। तो आपकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं करके रखी हुई, आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो विद दिस सेल पोटेंशियल के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे ओवर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे सोडियम क्लोराइड का, और मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का।